वेलकम बैक माई चैनल माई फेवरेट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो स्टोरी है किसका पानी अच्छा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार अकबर ने भरे दरबार में अपने दरबारियों से पूछा, बताओ किस नदी का पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एक मत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बिरबल ने नहीं दिया। उसे मौन देखकर बादशाह बोले, बिरबल तुम चुप क्यों हो। बादशाह अकबर ने बिरबल से कहा कि बिरबल तुम चुप क्यों हो। तो बिरबल बोले, बादशाह हुजूर पानी सबसे अच्छा यमुना नदी का होता है। बिरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई और बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बिरबल का यह तो सुनकर बिरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह को बड़ी हैरानी हुई, बोले, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा जबकि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध व पवित्र बताया गया है और तुम कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बिरबल ने कहा, हुजूर मैं भला पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकता हूँ। गंगा में बहने वाला पानी केवल पानी ही नहीं बल्कि अमृत है, इसलिए मैंने कहा था कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। इसलिए मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा होता है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर हो गए और उन्हें मानना पड़ा कि बिरबल सही कह रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी का पानी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि अमृत के समान उसकी तुलना है, तो इसलिए उसे अमृत कहना ही ज़्यादा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो और स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नोटिफिकेशन डालूँ तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।